मुल्तान तालीमी बोर्ड का सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के इम्तहानात में मार्क्स इंप्रूवमेंट की पॉलिसी मुरतब, इस हवाले से मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताइएगा। जी, मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के सालाना इम्तिहान में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए नई पॉलिसीज़ जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। मुल्तान बोर्ड का इजलास हुआ है जिसमें ये फैसला सुनाया गया है कि या तो स्टूडेंट पार्ट वन, पार्ट टू या फिर दोनों का इम्तिहान जो है वो दे सकता है। इस हवाले से जो है वो प्रॉपर दाखिले भिजवाए जाएंगे मार्क्स इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन के, और हर जो स्टूडेंट है उसको चार मौके मुल्तान बोर्ड की जानिब से फ्राहम किए जाएंगे कि वो एक ही सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बेहतर बनाने के लिए चार दफ़ा जो है वो इम्तिहान दे सकता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मार्क्स इम्प्रूवमेंट का जो तरीक़ेकार है, तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुल्तान बोर्ड की जानिब से ना सिर्फ उसको चार मौके फ्राहम किए जाएंगे बल्कि दो साल का जो दौरानिया है वो दिया जाएगा। दो साल में यानी हर साल में दो दफ़ा जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो अहल करार पाए जाएंगे, वो स्टूडेंट जो कि किसी भी पेपर में फेल नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जो मार्क्स हैं वो बेहतर बना